भाई वेलकम टू ब्लॉग गाइस, कैसे हो आप लोग और सब बढ़िया होंगे? और मैं ही बढ़िया हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लाएंगे इस स्कॉर्पियन का रिव्यू, तो और इसे देखो अभी, ठीक है भाई, हम करने वाले हैं अभी रिव्यू। उसका पूरी डिटेल बताएंगे आप, क्या क्या सिस्टम करवा रखा है इस इंसान ने, मतलब इनके पापा ने क्या करवा रखा है, जो कि मेरे पापा है, ठीक है। सब बताएंगे क्या करवा रखा है, कौन सा मॉडल है और कितने का पड़ रहा है दिल्ली में, और ये दिल्ली नंबर पे ही रजिस्टर्ड है, ठीक है भाई। अब ब्लैक कलर में, जो कि आपको पता है ब्लैक कलर की क्या खासियत है, अब क्या नहीं है अभी बताते हैं आपको 2 मिनट में। ये देखो गाड़ी साफ हो रही है, गाड़ी का लुक दिखाते हैं जरा। ये देखो, ये है जैसा देखी होगी स्कॉर्पियो है, हाँ वो देखो लगा पड़ा है अपनी सफाई में। यही एक डिसएडवांटेज है, आपको घिस घिस के धोनी साफ करनी पड़ेगी। ये देखो आज ये ब्लैक कलर का डिसएडवांटेज, ये जस्ट सुबह सुबह एकदम धुली है। और ये देखो नंबर नहीं दिखाएंगे, नंबर नहीं दिखाएंगे, कोई बात नहीं, ब्लर कर देंगे ताकि गाइस आप कहीं भी रोक लो गाड़ी को, फिर पूछो फोटो खिंचाओ। तो ये देखो गाड़ी का लुक, और भाई जैसा कि ये देखो इसकी ये चाबी है, इन्होंने कवर लगा रखा है, और महिंद्रा की ऐसी चाबी होती है, ज़्यादातर सबकी ऐसी चाबी है जहाँ तक है। और ये वाला देखो सिस्टम, ठीक है, इसको भी देखते हैं ज़रा, होल्ड करो। हाँ, इसमें 3 बटन है, जैसे लॉक है, और पार्किंग में हेल्प करते हैं ना, जैसे मॉल वॉल में वगैरह में खो जाए, ये अनलॉक है। चलो तो इसमें बताओ पहले क्या क्या करवाया तुमने? ये महिंद्रा का स्कॉर्पियो एन Z4 मॉडल लगाई थी, Z4 बेस से ऊपर मॉडल है ये। हाँ, बेस से ऊपर कह सकते हैं, बट इसमें ना बता नहीं पाएगा, अब देखते हो तो लगा कि बेस के ऊपर। हाँ गाइस, लग नहीं राजा सिंह जहाँ तक है कि Z4 है, Z6 वाली बात आ गई इसमें। बहुत सी चीजें रखी हैं हम, जैसे स्टार्ट आगे से कर लेते हैं, जैसे ये जो लाइट है, हाँ देखो टॉप मॉडल में इसमें आता है, ये देखो गाइस दोनों ही इसमें, एक एलईडी इन्होंने व्हाइट करवाई हुई है, लाइट दोनों व्हाइट एलईडी है, इसमें आता है हैलोजन गाइस कंपनी दोनों में, और लाइट का लुक बहुत बढ़िया लगता है इसमें स्कॉर्पियो में। टॉप मॉडल में पता क्या डिफरेंस है, जैसे ये जो है ना वो पूरा सीक्वेंशियल इंडिकेटर जो ऐसे चलता है ना इंडिकेटर, वो है। हाँ, जो एक ऐसे करके आता है थोड़ा वो अलग लुक देता है वो। ये तो हो गई लाइट की बात, अब ये जो ग्रिल है ना, हाँ अब आ रही है बेस मॉडल में पूरी ब्लैक। हाँ गाइस, ये देखो, हाँ। ये जो है ये नहीं होता इसमें क्रोम टाइप, हाँ, जैसे है ना पूरी ब्लैक आ रही है, टॉप मॉडल में आ रही है क्रोम, हाँ क्रोम तो पता होगा ना, जैसे शाइन मारता है। हाँ, ये चीज जो है बस एलईडी चेंज है, और ये जो एक्स्ट्रा बम्पर्स लगे हैं, हाँ इसे लुक भी कह सकते हैं, हल्की फुल्की लगे तो सीधा बम्पर पे डायरेक्ट है। ये तो गाइस इसमें भी नहीं है, बेस मॉडल में भी नहीं है, इससे ऊपर वाले मॉडल में ये मिल जाता है आपको, पर और ये डलवाएंगे अभी कुछ दिन बाद मार्केट, अभी 10,000 की सर्विस जाएगी ना तो आ जाए, क्योंकि ऑर्डर पे आते हैं भाई। हाँ, ये सर्दियों में वैसे भी काम आते हैं, अभी तो फिलहाल भी जाती है। तो गाइस यहाँ देखो, ये भी वाइट है दोनों, और ग्रिल पे इस मॉडल में आता है, और आगे फ्रंट कैमरा नहीं मिलेगा, वो टॉप मॉडल में मिलता है, क्योंकि इसमें ना ये ऑर्डर पे आता है टीआरएल, हाँ जब हमने ग्रिल ली थी तो नहीं थे। और ये देखो गाइस, इसमें ये हमने अलॉय चेंज कर पाए हैं, और ये देखो अलॉय पड़े हैं 17 इंच के, और टायर भी 17 इंच के ना, नहीं टायर कितने का है इसका? वो टायर साइज, ये अलॉय साइज होता है, ये होता है करीब अप्रॉक्स 25 कुछ पड़ता होगा, हाँ 25 24 23। और ये कितना टायर है? ये टायर कितने इंच का? 18 इंच का जहाँ तक होगा, ये 18 नहीं, 18 तो थोड़ा फालतू ही होगा, बताएंगे तो लास्ट में देखते हैं, चेक कर बताते कितना है। जैसा कि मैं बताऊँ, Z4 है ये, तो Z4 में व्हील कैप आती है सिर्फ, ओनली व्हील कैप, तो इन्होंने ये अलॉय लगवाए हैं, ठीक है। सब चीज का जो भी लगा है उसका प्राइस अलग बताएंगे, ये तो कंप्लीट है। देखो ये ऑटो फोल्ड नहीं है, नॉर्मल मैनुअली फोल्ड है, और इसमें ये आता है साइड में, देखो साइड प्रोफाइल, देखो ये देखो भाई साइड प्रोफाइल देखो, पूरी है ना लुक बढ़िया है गाड़ी, एकदम बिग डैडी लगती है। उसमें डिफरेंस बताता हूँ, ये जो चीज है ना, ये आपको टॉप मॉडल में ब्लैक मिलेगी, हाँ ये वाली जो है, हाँ ये सिल्वर मिलेगी, क्रोम थोड़ी सिल्वर बस थोड़ा उल्टा हो जाता है, क्योंकि पहचान करने के लिए लोगों के लिए। हाँ और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो देखो अंदर लाइन जा रही है,
ये क्रोम के पट्टे आते हैं। हाँ यहाँ पे वो छोटी छोटी चीजें बहुत लुक देती हैं थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं वो इसलिए लोग आसान से पहचान कर सकते हैं कि जैसे इसके पीछे देखोगे ना तो कहीं नहीं मिलेगा कि इस कौन सा मॉडल है। पीछे से गाइस बिल्कुल नहीं बता पाओगे कौन सा मॉडल है कि बेस है टॉप है कौन सा है। और देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, बहुत से कम लोग पकड़ पाएंगे क्योंकि ये जो चीज है ये भी बाहर से लगी हुई है। हाँ, ये जो क्रोम देख रहे हो ये हाँ, और ये वाला भी है, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे यहाँ तो वहां तक ये लगा हुआ है कंपनी से। हाँ इस मॉडल में आपको नहीं मिलेगा ये। हाँ हम पे पड़ी थी पर हमने निकाल दी थी, क्या ही करेंगे, हमने ऐसे निकालवा दी थी। आपका पुश पे अनलॉक्ड होता है, पुश पे खुल जाएगा ये सीधा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं की चाबी सिस्टम नहीं है, ब्लॉक कर देना चाबी से। हाँ तो अभी ये नहीं खुलेगा, ये सिस्टम अब काम नहीं करेगा, जब अनलॉक होगी तभी चलेगा खोलना। और जैसे अब अनलॉक कर दिया जैसे डीजल है तो इसमें DEF भी डलता है, DEF पड़ेगा इसमें, फ्लूड वाला होता है वो सिस्टम, और यहाँ ये आपका डीजल वाला वो दिया है डालने के लिए, जैसे अभी 10,000 पे डलेगा इसमें। हाँ पूरी पार्टी करीब आ जाती है इसमें, पूरी पार्टी होती है। तो ये सिस्टम बंद कर दें, अब देखते हैं पीछे का लुक। पीछे देखो भाई कोई कुछ नहीं बता सकता, दो चीजें किसी को एक्सपर्ट है ना पूरे कैमरा देख के बता देगा, ये इंडिकेटर। हाँ सिर्फ इंडिकेटर, पूरे हेडलाइट सेम है, ये जो है ना सिक्वेंशियल मिल जाते हैं, जैसे ये देखो ये तो सिर्फ LED जल रही है। हाँ उसी पर चलते हैं ऐसे ऐसे करके जो होते हैं ना। हाँ जो MG टाइप में आती है गाड़ी में जो ऐसे करके जाते हैं वो XUV में भी है, इसी ये क्रोम मेटल है, क्रोम का उसी का पार्ट है। हाँ ये भी कंपनी से लगा हुआ है, इस मॉडल में नहीं है ये तो उन्होंने। और ये देखो भाई ये जो होता ना इस मॉडल में अलग है नॉर्मल वाला, और जो बाहर का मॉडल बड़ा मॉडल है उस वाले में सीक्वेंस चलता है ऐसे करके, समझ रहे हो। बाकी लाइट एक ही है, और इसमें भी कैमरा बैक कैमरा नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट या कंपनी से लगाना पड़ेगा। हाँ ऐसा है। और ये स्कॉर्पियो की बैजिंग मिलती है, और ये देखो नया वाला बटरफ्लाई लोगो मस्त लगता है एकदम, और डीफॉगर मिलते हैं आपको, और ये वाइपर बैक, और स्पॉइलर लगा हुआ, और रूफ रिल्स भी इसमें है, लगी हुई है पहले से या लगवाई है? पहले से ही है, बस टॉप मॉडल से क्या है ना बताया था ना सिल्वर हो जाती है। हाँ तो भाई ये भी लगी हुई है इसमें पहले से, और इसके जैसे डिग्गी ऐसे बोलते हैं। हाँ भाई ये जो नो पुराने वाली स्कॉर्पियो का ही देने के लिए थोड़ा तो ये वाली सिस्टम दिया है इसमें। ऑप्शन एक भी आता है कि ये टिक्की नहीं होगी, पर हमने ले ली कि एक्स्ट्रा रहेगी काम आ जाती है, जैसे आप आए बैठ के तो आसानी से आ पाए, जैसे देख लीजिए है ना बॉक्स ही ऐसी भी आती है। हाँ भाई ये देखो पूरी सीट खोलने के बाद अगर सातों लोग बैठते हैं इसमें तो इतनी स्पेस बचती है, स्पेस इतना बैग बचेगा कि इसमें एक बैग ज़्यादा आ जाएगा बस, सूट केस होते हैं ना छोटे वाले, दो आराम से आ जाएंगे इसमें, फोल्ड करने के बाद तो फुल स्पेस है इसमें। हम घर में पांच लोग ही हैं तो हमारे लिए डिक्की भी बहुत बड़ी है। हाँ फुल स्पेस है इसमें, कंपनी से 70 मैट चले। हाँ ये मैट डले हुए कंपनी से 70 मैट, और इतनी बूट पूरी भर जाती है, लगभग 400 लीटर भर जाती पूरी। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ नहीं है, यहाँ पे तो स्पेयर व्हील देखो यहाँ पे इसका नीचे है, ये रहा स्पेयर व्हील है, इसमें हाइड्रोलिक चलते हैं पूरा, हाइड्रोलिक सिस्टम है इसमें, हाइड्रोलिक हाँ पूरा बसता है इसका भी स्पेस। हाँ महिंद्रा ने काम बढ़िया किया इसमें, फायदेमंद है, कोई कोई कहता है इसकी फिट एंड फिनिश नहीं है, ये देखो कहीं तो दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ कहीं दिक्कत नहीं है, फिट एंड फिनिश पूरी मिलती है इसमें, ऐसी बात नहीं है, किसी पीस में निकल जाता है, महिंद्रा का काम है बढ़िया, किसी किसी पीस में आ जाता है यार वो स्टार्टिंग के होते हैं ना। सही रेटों में बढ़िया चीज बना के दी है बिग डैडी, सही नाम दिया है। तो गाइस ये देखो ये इसका बैक लाइट वाला जो है लाइट ये वो इस टाइप में आता ही है, ये सिर्फ ऐसे दे रखा है, ये नई सिस्टम कहीं टॉप मॉडल से लेके बेस मॉडल तक ही नहीं चलता इसमें, ये स्कॉर्पियो में यही सिस्टम है इतना ऐसे, ठीक है। तो ये इतना ही है, इधर ये पार्किंग वाली लाइट है, इधर ये वाली पार्किंग वाली लाइट है जो वाइट लाइट होती है बेसिकली। तो आगे से दिखाते हैं गाइस, ये देखो ये वाइट लाइट जो लगाई हुई है कंपनी से, अब ये लोबी में है तो भी बहुत रोशनी इसकी, आराम से रात में अच्छी क्वालिटी है, अच्छी दिखेगा इसमें विजन, बहुत लंबा रहेगा इसमें विजन। और इस साइड में भी यही है सेम प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल बहुत बढ़िया है इसकी जैसे और, ये है इसमें। और एक बार ये जो चीज़ है ये कंपनी से लगाई है या अलग, ये भी यहाँ ये कंपनी से लगाया गया, ये कंपनी से लगवाया इस मॉडल में नहीं है,
25,000 की पड़ गई, 4 से 25,000 की लाइट है। देखो ये है क्रॉस, ये भी थी हमने रख ली थी, इन फ्यूचर किसी और चीज में काम आ जाए जरूरी है। ये इसका डब्बा है जो हमने व्हाइट लाइट डलवाई है, इसमें बस ऐसे रखने के लिए, संभालने के लिए। लाइट बहुत बढ़िया लग रही है इसकी, व्हाइट कलर की मोबाइल थी, इसमें हेलोजीन है लेकिन सही कर दिया भी इन्होंने, वाइपर में भी क्वालिटी बहुत बढ़िया दी इन्होंने यहाँ पे, ये चीज़ सही जी एकदम बढ़िया। और लंबे लंबे वाइपर दिए हैं, काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग होगी शीशे की, फ्रंट में मतलब बेसिकली है। हाँ पूरा पूरा हो जाता है, ये नहीं होता जैसे साइड में ऐसे रह जाता, वो उतना नहीं रहता, वो हो जाता है पूरा कवर। तो अब बात करते हैं इंटीरियर की, तो गाइस अब बात करते हैं इंटीरियर की, और तो चलो देखते हैं इंटीरियर। तो गाइस हाइट भी इसकी काफ़ी है, मतलब है कि पैर रख के चढ़ना पड़ेगा इसमें। और अभी हम बैठ गए इसके अंदर और गेट करते हैं बंद। तो गाइस अब देखो अंदर की बात करते हैं, बेसिकली ये है ऑटोमेटिक, तो इसमें ये नॉर्मल, हाँ ये ऑटोमेटिक 4x2Z4 मॉडल है, डीजल ब्लैक में डीजल। हाँ तो ये ऑटोमेटिक है, देखो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका, हैंड गियर भी, वो हैंड ब्रेक भी इसमें नॉर्मल मैनुअल आता है। हैंड ब्रेक नॉर्मल होल्डर है, इधर दो कप होल्डर है, और ये एक नॉर्मल स्टोरेज टाइप है जिधर आप पर्स वगैरह स्लिप वगैरह रख सकते हैं। और इधर टॉप मॉडल में ना इधर वो भी आता है वायरलेस चार्जर। हाँ यहाँ पे टॉप मॉडल में वायरलेस चार्जर इसमें नहीं मिलता। और ये इसका इन्फॉर्मेंट, इसमें इन्फॉर्मेशन सिस्टम देखो, इधर से शुरू करते हैं, इधर में आते थोड़े मोड्स आते हैं, ये ट्रिप वन का, यहाँ से इस बटन से चेंज होता है, इस वाले बटन से चेंज हो गया वाला। यहाँ पे ये हो गया ट्रिप टू का, ये थोड़ी ये माइलेज दिखा रहा है। हाँ यहाँ पे माइलेज दिखाएगा कितनी चलेगी, कितनी माइलेज दे रही है, कितने का दे रही है, 2.8 का माइलेज चल रही है बेसिकली लोकल में, लोकल हो गया हाईवे मिला लिया सबका मेन, इसमें जाम है क्योंकि रात के टाइम पता है जाम से आती है, तो ठीक है हमारे लिए इसके हिसाब से। अब बात करते हैं ये हो गया इसका क्रूज कंट्रोल की वजह से, क्रूज कंट्रोल का हो गया, स्पीड इसको पता करनी है। हाँ ये आ गया इसकी सेटिंग के लिए, सेटिंग होती है काफी वगैरह, सेटिंग भी हो गया ठीक है। ये आता है इसमें क्रूज मोड, ये ऑप्शन देखो, ये क्रूज के लिए, ये स्क्रीन की ट्रिप ट्रिप के लिए चेंज करने के लिए। हाँ। और ये कहाँ के लिए, ये इसी के लिए बेसिकली है ये ना, ये देखो ट्रिप बी, हाँ ऊपर नीचे करने के लिए, इसे स्क्रीन सेटिंग दी है सारी यहाँ पे, ये सेट करने के लिए वही वाला ट्रिप वाला। और ये रिज्यूम बटन है जैसे कि आपको पता होगा, रोकने के लिए रिज्यूम बटन। और ये हमारी स्टार्स फेवरेट है, ये फेवरेट हम जैसे कुछ कुछ लोगों को और चीज पर रखना पसंद है यहाँ पे, जैसे मेरे फादर को यहाँ पे ट्रिप ए रखना पसंद है, पर मेरे को वहाँ पे यहाँ पे स्पीड रखना पसंद है। तो यहाँ पे हम स्टार कर देंगे, हमें सेटिंग्स क्या क्या करें, तो ऑटोमेटिकली वही चीजें आ जाएंगी। हाँ, ये फेवरेट में है पहले से ऑलरेडी। इधर वही है मेन वॉल्यूम से रिलेटेड, कॉल रिलेटेड, ये आएगा वॉल्यूम का बटन है कि वॉल्यूम बंद करने के लिए। और ये बसता आपका SRC बटन, ये किस चीज का बटन है, सोर्स होता है बेसिकली, उसमें FM बैंड आते हैं, दो तरीके होते हैं, FM होता है, एक बैंड होता है, ब्लूटूथ हो गया। हाँ तो ये उसी का बटन है, और ये वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, और ये सीक बटन जिसे FM आगे करना, हाँ FM बटन के लिए, हाँ कॉल के लिए, और कॉल उठाने के लिए, कॉल काटने के लिए यहीं पे दिया हुआ है। इधर ये वाइपर का सेटिंग हो गया। और इसमें एयरबैग कितने में, तो गाइस जैसे कि इसमें है 2 एयरबैग 4 एयरबैग मिल जाते हैं आपको, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे दिया है, इस वाले सिस्टम में लिखा हुआ है स्कॉर्पियन की बैजिंग, और दो पीछे दिए हुए हैं जैसा कि ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ ऑप्शन की, इधर मोड्स नीचे से चालू करते हैं, ये जिप जैप जूम। हाँ, ये ड्राइव दबाओगे तो इधर आगे जिप जैप जूम। इसमें तीन मोड दिए हुए हैं, दिखाना जरा, देखो जैसे जूम में लग गई है। हाँ, अब ये जूम मोड में है, यहाँ देखो ये जूम मोड में आ गई है। हाँ, चेंज करना इसको, दबाएंगे जिप पे आ गया। तीन मोड दिख रहे हैं जैसे कि जिप जैप जूम, तीन मोड जिप आता है इसका, इको के लिए, इको के लिए जैप है, नॉर्मल जैप, नॉर्मल जूम हो गया स्पोर्ट्स के लिए। हाँ, जूम जो है लास्ट सबसे बड़ा मोड, वो जो है कंपनी को कुछ ना कुछ करना होता है दिखाने के लिए बेसिकली। पर इसमें एक डिसएडवांटेज भी, जैसे आपने कर रखे देखो जिप पे, आप चाबी ऑफ करके दोबारा ऑन करो, चाबी ऑफ करके, हाँ दोबारा ऑन करो, बंद कर दो चाबी। गाइस देखो सीट बेल्ट की वार्निंग है जस्ट, इस पे सर्विस ड्यू भी है इसकी, क्योंकि 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं, सर्विस आ चुकी है इसकी, जैसे कि 10,000 पे वार्निंग। और ये देखो गाइस फिर से अपने जैप पे आ गई है, अभी हमने बंद करके चालू कर दिया। ये दिक्कत इसमें, अगर आप मोड चेंज करके दोबारा स्टार्ट करोगे ना गाड़ी, मतलब ऑफ करके ऑन करोगे, तो ये उसी मोड पे आ जाएगी जिसपे थी, इस मोड पे ठीक है गाइस। और यहाँ पे ये स्क्रीन टच कैसा, इसका कैसा रिस्पॉन्स ठीक है, लोग कहते हैं कि लैग करती है, बट नहीं करती लैग, हम तक तो अब तक तो नहीं करती, बाकी इन फ्यूचर देखते हैं। जैसे बताया जिप जैप जूम तो आपको बता दिया है। इधर ये आता है हिल डिसेंट, जैसे कि बेसिकली होता है ये, जैसे हम पहाड़ से उतर रहे हैं ना, तो बहुत तेज निकलती है, हाइल असिस्ट वाला, तो इसको कर देंगे ना तो गाड़ी धीरे धीरे उतरेगी, मतलब थोड़ी बहुत ब्रेकिंग करेगी स्पीड के अकॉर्डिंग, 2 सेकंड के ब्रेकिंग रखेगी, क्योंकि अट्रैक्शन
योगे हैजार्ड, योगे ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप। इसमें बेसिकली ये जो महिंद्रा ने ये सिस्टम दिया है अभी देना शुरू किया है और जितनी भी गाड़ियां सब में आ रहा है, जैसे आपने ऑफ कर दिया ये क्लिक करने पे अभी आप अभी बंद करके दोबारा करोगे ना तो दोबारा ऑन ही हो जाएगा। फायदेमंद है क्योंकि जैसे आप जाम में तेल बचाने के लिए सही है, जैसे आप जाम में हो ब्रेक दबा दिया आपने 2-3 सेकंड बाद बंद हो जाएगी, ब्रेक छोड़ दोगे तब भी बंद, दोबारा ब्रेक दबाओगे ना तब चालू हो जाएगी वो। तो यहाँ पे देखो ये सिस्टम है इसका एसी का, टॉप मॉडल में तो इसमें ऑटोमेटिक है। टॉप मॉडल में ऑटो क्लाइमेट मोड है इसका पूरा, इधर से ज्यादा इन्फॉर्मेंट ये पूरा स्क्रीन सिस्टम है इसका। और यहाँ ये सिलेक्शन क्लास कई बार टच स्क्रीन ना करना चेंज करने गाड़ी चलाते हैं बहुत दिक्कत होती है सिलेक्ट करने में, तो दबा दो। अब आते हैं मेन बटन, ये होम बटन है इसका, होम बटन ये पूरा होम बटन है ठीक है। ब्लूटूथ सब दिया इसमें, बस एक दिक्कत है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं दिया, नहीं एप्पल कारप्ले नहीं दिया, एंड्रॉइड ऑटो सब है, एंड्रॉइड ऑटो है। जैसे इसमें ना ब्लूटूथ का भी है, इसमें क्या है ब्लूटूथ के जो स्पीकर है ना उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत है, जैसे कि हम इसमें 30 तक दे रखी होती है मीटर, हम अगर 27-28 तक जाए ना तो बस फट जाती है। अच्छा 23-25 तक तो ठीक रहती है, बढ़िया आवाज है, लगता नहीं कि ये स्टॉक है। बहुत लोग तो कहते हैं स्टॉक नहीं है, बहुत बढ़िया है इसके। हाँ भाई स्पीकर इस क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी, भी सुनाते हैं हमें, लेकिन जो भैया बता रहे हैं अभी कि इसमें जैसे ज्यादा आवाज बढ़ाते हैं तो थोड़ी फट जाती है साउंड, ये थोड़ी एक डिसएडवांटेज है। दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें इधर इधर भी ट्यूटर है, उसमें ना उसमें जो कंपनी के दिए वो थोड़े अलग वाले हैं, उसमें 16 स्पीकर है। हाँ उसमें 16 स्पीकर दिए हैं, 16 सोनी के मेनली, इसमें उसमें इधर भी है, इधर है, हाँ पूरे में उसमें स्पीकर बढ़िया दिया है, हाँ इधर भी 2 ट्विटर और दिए हैं यहाँ पे, स्पीकर है मेनली, हाँ मेनली हाँ स्पीकर है, इधर साइड में हाँ ट्विटर दे दिए हैं, ट्विटर इधर है इसकी स्क्रीन, और ये हैंडल वैंडल दिया है। और अब दिखाते हैं जैसे मेन्यू आ गया तो मीडिया हो गया आपका, सबने पेन ड्राइव लगा रखी है, जिस मोड आपने से चला रखा है ये वो आ गया। देखो रिस्पॉन्स कितना सही है, कौन कह रहा है लाइक करती है, देखो एक कार इन्फो आ गई, जैसे इसमें भी वार्निंग दिखा रहा है कि कितने का एवरेज दे रही है और कितना डिस्टेंस है, कितना चलेगी यहाँ पे दिखा रहा है, 300 सर्विसिंग चलेगी अभी तो इसमें कोई है नहीं दिक्कत। और जैसे फोन का आ गया, फोन कनेक्ट करेंगे और ये सेटिंग आ गई, जैसे साउंड की सेटिंग आ गई इसमें, देखो ये आगे किस मोड पे आपको किस वॉल्यूम लेना है, जैसे इधर कर दिया हमने तो इधर साइड पूरी साउंड आ जाएगी, वही वाला स्पीकर चलेगा। हाँ। और जैसे हम मिडिल में कर देंगे ना तो सारे चलेंगे, सारे स्पीकर इक्वली चलेंगे, हम जिधर कर लेते हैं उधर का। तो इसमें क्या जो लग रहा है कि इंटीरियर में कुछ क्या कमी है, इंटीरियर में कमी भाई देखो कुछ इतना खास हमें लगी नहीं, बस ये जैसे ये स्टिचिंग है ना थोड़ी बहुत फालतू, इतनी कुछ महंगी पड़ती नहीं, आप कर देते इसको लेदर क्योंकि इसमें टॉप मॉडल में लेदर है। हाँ। वही दिक्कत है ना, जैसे आपने स्टिचिंग क्यों करी, अगर आपको लग रहा होगा कि लेदर है पर ये लेदर है नहीं, देखो आप ये जो स्टिचिंग दी ना ये सिर्फ दिखाने के लिए दी है, लेदर है नहीं जैसा, ये दिक्कत है ना, स्टिचिंग दी क्यों, सिंपल प्लेन कर देते, प्लेन कर देते तो ज्यादा दिखानी क्यों है, मान लो भाई वो भी ऐसे करके देखेंगे क्या कितना बेकार लगेगा कि देखो स्टिचिंग प्लास्टिक में हो रखी है, वही मैं कह रहा हूँ। और ये देखो इसका कलर इंटीरियर यहाँ पे नॉर्मल है, सीट्स कवर है ना ये हमने बाहर से लगवाए, टॉप मॉडल के कवर है सीट कवर, फैब्रिक आता है ये हमने लेदर करवाया, ये बढ़िया है, और ये भी इसमें लेदर रैप हो रखा है, ये भी रैप करवाया हुआ है, ग्रिप बढ़िया है, से कोई इशू नहीं है इसमें, सब बढ़िया है। और यहाँ पे साइड में देखा देखो ये मिरर वाला, यहाँ पे ये इनर मिरर की है, वो चेंज करने वाला होता सिस्टम है, इधर खोलने वाला अंदर वाला, और ये विंडो पावर विंडो, दोनों पावर विंडो, एक है पावर विंडो, पावर विंडो ऑटो विंडो सॉरी, ऑटो अप डाउन विंडो जो है वन क्लिक पे, एक उस पर ड्राइवर साइड की है, यार इसमें ड्राइवर साइड की है, वो इसकी हेल्प लिंक होता है ना कि गाड़ी चलाएगा वो शीशा खोलता रहेगा, ये चारों दिए हैं और ये दिए हैं लॉक बटन, फोकस करो भाई। और इधर देखेंगे जैसे सनरूफ की जगह है ना, इधर एक सनग्लास होल्डर दे दिया, टॉप मॉडल में भी है, हाँ तो टॉप मॉडल में सेम है, ऐसे सनग्लास होल्डर दिया यहाँ पे, और इसमें क्या है, इसमें गाइस यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लेन मिरर नहीं है, पर इसकी ये भी एक दिक्कत है क्योंकि जो हमारे पास जो पहले थी महिंद्रा की टीयू भी थी वो थी 2016 मॉडल, उसमें बल्कि यहाँ पे था मिरर, हाँ यहाँ पे मिरर दिया, यहाँ पे थोड़ी कमी रहेगी कि अगर आप सब कुछ दे रहे हो तो यहाँ पे भी एक जो देखा था वो दे रहा है, हमने भी कितना ही देखा होगा मिरर, पर फिर भी एक बात होती है, हाँ एक चीज देने वाली सर्विस की बात, 2016 में जब आप दे रहे हो, और ये देखो ये तो उसमें नॉर्मल हमारे सामने आता है, और एसी हमें कूलिंग, तो गाइस हो गया आगे की बात, अब चलते हैं पीछे इंटीरियर में, तो चाबी निकाल लेते हैं, चाबी निकाल ली हमने, अब चलते हैं पीछे वाले सिस्टम पे, चलो गाइस। गाइड गेट बंद करते हैं, चलो रहा आपको पीछे का तो दिखा दिया, अभी आपको मिडिल रो में दिखाते हैं, मिडिल रो लास्ट रो बीच वाली रो जाना अंदर।
तो चढ़ गए। यहाँ ये देखो एसी वेंट दिए हैं पीछे वाले, पर इसमें एक दिक्कत और है, जैसे अपना वो नॉर्मल होता है इधर वो नहीं दे रखा, इधर सब सी टाइप चार्जर देख के ले रखा है क्लिप के लिए। हाँ। अब नॉर्मल लोगों के लिए काफी जरूरत होती है। हाँ, जहाँ तक नॉर्मल चार्जर ही है, ज्यादातर भाई एंड्रॉइड यूज करते हैं, सी टाइप जरूरत नहीं। एक और पोर्ट देते कितनी कटिंग हो जाती है, कितनी कटिंग हो जाती है, कॉस्ट कटिंग करने का 1000-2000 का नहीं होता वो। और ये फैन वाला दे रखा है एडजस्ट फैन, और ये दे रखा है एसी, ये जो था ये सामने का देखो बढ़िया लग रहा है, वैसे लुकिंग बढ़िया है इसकी पूरी। हाँ। और यहाँ सनरूफ नहीं है इसमें वाले मॉडल में, इससे ऊपर वाले सनरूफ है, Z6 में सनरूफ मिल जाती है आपको। हाँ। और ये देखो पीछे से पूरा बूट स्पेस बढ़िया है एकदम। फुल स्पेस दिखा देता हूँ, जैसे देखो हाइट इसकी नॉर्मल है, आप एक बार पीछे जाओ मैं बताता हूँ, देखो बाहर आइए एक बार, चलो देखो इसमें आपके यहाँ पे एक नॉर्मल है। हाँ, फोल्ड कर दी सीट हमने, जैसे एक बार में जाएगी, इसकी भी दिक्कत है, एक बार में ले जानी पड़ेगी पूरी। हाँ। अब जाओ पीछे, और ये देखो फुल एक्सप्रेस दिखाते हैं, ये देखो ये है थर्ड रो सीट, यहाँ तक है नॉर्मल हाइट पे एडजस्ट है, अभी ये देखो काफी स्पेस बच गया। हाँ, यहाँ तो जो पैर का है ना एरिया वो अच्छा है, मतलब ठीक है, 5'8" तो मैं भी काफी बैठ जाता, पर ये थोड़ा लॉन्ग ट्रिप में दिक्कत होती है। हाँ, हाइट जहाँ तक है, ये देखो भाई यहाँ से मेरी हाइट इतनी बच रही है, मतलब ठीक है, मैं मेरी हाइट जहाँ तक है 5'5" है, मैं 5'8" हूँ, मैं बैठ जाता हूँ इसमें। हाँ। कोई ऊपर दिक्कत नहीं होती। हाँ, तो मेरी ये है जहाँ तक है ऐसी, और तो सही बच रहा है मेरा सर। और ये देखो ये भी इंक्लाइन वाली है, पूरा पीछे से इंक्लाइन हो जाती है, 7 पूरी जो लास्ट थर्ड रो है वहाँ पे, और यहाँ पे ये दिया बस, और कुछ नहीं यहाँ पे, पीछे कोई एसी वाला सिस्टम नहीं है, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। ये देखो ये 70 मैट इधर से दिखा देते हैं, ये 70 मैट होते हैं, ये कंपनी से लगा है, कंपनी से लगाया उन्होंने, यहाँ पे एक हैंडल, इधर भी एक हैंडल, और इसी से यहाँ पे दिया। यहाँ पे कुछ एसी वेंट नहीं, पर ये है कि बंदा अगर पीछे बैठ के जाएगा ना तो गर्मी में उसको एसी वेंट तभी तो दे रखे थर्ड रो की, ऊपर की तरफ हो जाए कि नीचे से डिस्ट्रक्शन हो जाए। हाँ। पीछे भी बताओ ना कहाँ, ये भी महिंद्रा की बात है कि कहाँ ही देगी महिंद्रा भी। हाँ, ये भी है कि सब कुछ दे दिया तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही छोड़ना है। जहाँ तक पीछे थर्ड रो भी बढ़िया है, ठीक है गाइस, तो जहाँ तक हमें जितना पता था हमने बता दिया, और हम ले रहे हैं मजे आपके भी, और आप ले रहे हो हमारे। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और गाइस ये देखो स्कॉर्पियो, और ये नया फीचर दिखाता हूँ आपको एक, ये देखो जो ये शीशा है ऐसे फोल्ड होगा और ऐसे होगा, ठीक है गाइस। और जो अगर मान लो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है यहाँ पे टच होती है तो ये टूटने का डर रहेगा, तो इसमें क्या सिस्टम, अगर ठुकेगी तो ये पीछे वाला फोल्ड हो जाएगा, मतलब ऐसे देखो हो गया फोल्ड। तो ये सिस्टम दिया गया अभी महिंद्रा दे रही है ये वाला, कि अगर टूटने से बच जाएगा ये वाला शीशा, तो इसको ऐसे कर दो, ये हो गया सही, फिर इसको फोल्ड कर दो, ठीक है गाइस। और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो भर के, और सब्सक्राइब कर रहो, ठीक है गाइस, सब्सक्राइबर घट रहे हैं अपने। और भाई अभी करते हैं हम प्राइसिंग की बात, ठीक है, क्या बता दें सब कुछ, क्या दो हैंडल एक्सयूवी में टच होते हैं, जो टॉप खुलते हैं। हाँ, जो टच वो है ना टॉप मॉडल, उसमें वो फिंगरप्रिंट सेंसर वाला वो काम है। और भाई अभी दिखाते हैं प्राइसिंग हर चीज़ की, जो तो ये सबसे पहले आती है अपनी हेडलाइट्स वाइट वाली, हेडलाइट्स ली है हमारी चारों 25,000 रुपये, 25,000 रुपये चारों जो है हेडलाइट है, पीछे की आगे की फ्रंट की। आप लोग सोच रहे हैं 25,000 रुपये की लाइट, अब जो टॉप मॉडल में एलईडी लाइट्स आ रही है ना उनका थ्रो इनका थ्रो देख लो, जमीन आसमान का अंतर साफ दिख जाएगा। हाँ, ये तो है, टॉप मॉडल में जो एलईडी आ रही है उनसे भी ज्यादा शार्प है। हाँ, ये है 25 कंपनी डाली हुई ना, तो उसमें भी यही कंपनी डाल ली है, कौन सा कोई अलग थोड़ी डाली है। नहीं नहीं नहीं, फर्क है भाई, बहुत फर्क है इनमें, इन जो एलईडी लाइट्स है ना हमने खुद पैसे दे के अलग से हाई वोल्टेज की, ये 25,000 रुपये की पड़ी है हमें, जैसे इसमें डब्बा भी कर गया लगवाना भाई हमने बाकी ये सब एक्सेसरीज में जो कंपनी देती है, और एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं, ये तो देने पड़ते हैं खैर। और ये कितने बड़ा चारों,
ये सब ना मिला के था भाई, ये भी उन्होंने हमें बिलिंग, ये कुछ 1500 रुपए के थे ये। हाँ ये इतने पड़ते 1500-1600 के करीब। ये हमें थी, और ये जो क्रोम करवाई है ये कितनी पड़ी? लगा है इसका पार्ट निकल के। हाँ ये हमें कुछ 15,000-10,000 रुपए सारे मिला के देने पड़े थे, 15,000-20,000 रुपए। हाँ आगे भी, हाँ आगे भी जो बम्पर लगा एसेसरीज में आता है ना ये ऑप्शनल है। हाँ जितना भी वो है सब इतना कितना पड़ा? 15,000 तक का पड़ गया इनको। ठीक है 70 मैट्स। हाँ और इसमें जो पड़े हुए देखो गाइस 70 मैट्स हैं ये वाले 70 मैट। लाइट थोड़ी कम है, लाइट ला देते हैं। ये देखो गाइस ये जो मैट है ना ये वाले, ये 70 मैट है, बहुत बढ़िया है। ये पड़े हमें 9,000 रुपए के। तो गाइस ये पड़े हमें 9,000 रुपए के। लाइट बंद कर देते हैं, बंद होगी अपने आप। बाकी ये भी क्रोम लगा हुआ है, ज्यादा कुछ डलवा नहीं है अभी, डीआर भी दिखा देंगे। और अलॉय, अलॉय कितने के पड़े? अलॉय भी तो डलवा हमें पड़ा था करीब भाई, पूरे हमने एक्सचेंज में दिया था ना बिना नए टायर पड़े हुए, मतलब टायर वही है बस अलग अलग चेंज है, 60,000 रुपए में हो गए। अब इसमें एक्सचेंज है, फादर ने पता नहीं कितने लगाए मेरे को, इसमें साथ में पूरा कंफर्मेशन नहीं है। तो गाइस ठीक है, और ये भी डाल देते हैं इसमें, हम मड फ्लैप भी डालेंगे इसमें। मड फ्लैप भी वो इसकी एसेसरी पार्ट है, ये भी एसेसरी में सब मिला के 15,000 था, जिसमें एमटर फ्लैप हो गया तुम्हारा, और ये बम्पर हो गया फ्रंट वाला, क्रोम हो गया, और ये हो गया इसमें, और वो लेदर रैप करा हुआ है, करा हुआ है उन्होंने। और ये 70 मैट हो गए आपके, और ये सीट कवर आपको तो बताए हैं, ये है सीट कवर कंपनी। हाँ 9,000 की डालती है, टॉप मॉडल की आप बता नहीं सकते, ऊपर से की टॉप मॉडल है, क्योंकि इसके अंदर ये लेदर है, जो Z2 4 में आया था ना उससे फैब्रिक। ये गाइस हाँ मतलब बढ़िया लग रहे हैं यार ये वाले। बाकी और कुछ नहीं है, DRL बच रहे हैं वो भी करवाते हैं जल्दी, क्योंकि वो ऑर्डर पे आते हैं। हाँ वो ऑर्डर पे आएंगे, ये सब चीजें ना आजकल लोग बाहर से ज्यादा करवा रहे हैं मार्केट से, क्योंकि वो सस्ती पड़ जाती हैं, और उनको हाँ। ये भी पता ना क्वालिटी बेकार हो जाएगी फिर, क्वालिटी नहीं रहेगी। इतनी बड़ी गाड़ी ले यार तो सही है कि क्वालिटी चीट डलवाए। तो अब ये आगे बताओ, अब करते हैं प्राइसिंग की बात, कितनी की पड़ गई तुम्हें? ये हमने करवाई थे फाइनेंस, इसका 30 उसमें डाउन पेमेंट गई थी सर 4-5 लाख रुपीज कुछ गई थी। तो भाई 4-5 रुपए डाउन पेमेंट करी इन्होंने, और बाकी ये फाइनेंस कराया है इन्होंने। हाँ। तो टोटल कितनी की पड़ गई, मतलब ये हमें पड़ गई शायद 23-24 की। तो गाइस 23-24 लाख की पड़ गई है ये वाली, ठीक है देख रहे हो, मतलब सब कुछ लगा के टोटल सब मिला के 23-24 लाख की पड़ गई ने। 18,000 से इसका एक शोरूम प्राइस है विदाउट। तो भाई देखो जितने इसका साइज है ना उतने लगभग मान लो फॉर्च्यूनर लगा के चलो कि फॉर्च्यूनर की टक्कर की है ये साइज जो है ना इसका, वो फॉर्च्यूनर के बराबर है, और वो जो पड़ रही है आजकल 50-60 से नीचे नहीं पड़ रही फॉर्च्यूनर। तो जो साइज है इसका और जैसे फीचर वीचर जिस हिसाब से गाड़ी में सनरूफ पसंद नहीं है ना, हाँ मेन चीज पता है वो Z4 भाई मोस्ट वैल्यूएबल चीज है, वर्थ है भाई पूरी। हाँ जो Z4 है ना पूरी वर्थ है, अगर सनरूफ नहीं चाहिए तो, बस Z6 में क्या है सनरूफ पड़ जाएगा और कुछ नहीं है। हाँ छोटी सी सनरूफ है, कोई फायदा नहीं है उसका, भाई बहुत प्यारी रहेगी। हाँ वो बढ़िया है, हाँ सनरूफ कोई फायदा भी नहीं है इसमें, तो रॉ के लिए चलता है जिसकी, और जो सबसे बढ़िया आता है ना जिस हिसाब से इसका साइज है उस हिसाब से इसके पैसे बहुत बढ़िया है, 23-24 पड़ रहे हैं, और बेस मॉडल लोगे ना तो 15-16-17 पड़ जाता है वो भी। हमें चाहिए था भाई Z6 मॉडल, जब हम गए थे ना बुकिंग के लिए हमें चाहिए था Z6, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत अच्छे फीचर थे, ईयर में थोड़ा बहुत नए-नए सनरूफ का चल रहा था, बट हमें वो देते भाई 7-8 महीने की, और जो हमारी इससे पहले गाड़ी थी महिंद्रा की थी TUV, उसकी ना थोड़ा टाइम लाइफ खत्म हो रही थी, तो हमने जल्दी में ये लेकर चलो कोई नहीं, काफी टाइम हो गया था। हाँ चलो तो बाकी सब कुछ तो हो ही गया है। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में इनके साथ, अगले ब्लॉग में। थैंक यू।